हरियाणा में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए गए थे। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों ने कथित रूप से खट्टर के काफिले को रोकने की कोशिश की थी और उनकी गाड़ियों पर लाठियां फेंकी थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और दंगा फैलाने सहित कई आरोपों में केस दर्ज किया है। बता दें कि खट्टर अंबाला में किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां किसानों के एक समूह ने उनकी गाड़ियां रोकने की कोशिश की थी। वहीं कथित रूप से कुछ किसानों ने खट्टर के काफिले को ही ब्लॉक कर दिया था और आगे नहीं जाने दे रहे थे, जिसके कुछ देर बाद पुलिस खट्टर को वहां से निकाल पाई थी। दरअसल निकाय चुनाव के चलते खट्टर बीते मंगलवार को बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त मेयर प्रत्याशी और पार्षदों को चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया अंबाला पहुंचे थे। इस दौरान कृषि कानूनों के विरोध में मुख्यमंत्री का अंबाला के किसानों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। वही पुलिस प्रशासन को भी भारी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई थी। इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए डीएसपी मदन लाल ने बताया कि मंगलवार को जब मुख्यमंत्री यहां सगुन पैलेस में एक कार्यक्रम में शामिल होकर जा रहे थे, तब कुछ किसानों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और तफ्तीश शुरू कर दी है।